नमस्कार, हीराकुड रोपवे जवाहर उद्यान और गांधी मीनार के बीच में है। ये संबलपुर सिटी में है और सैलानियों के आकर्षण का बहुत अच्छा केंद्र है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इस रोपवे की खासियत ये है कि यहाँ से आप हीराकुड डैम का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। हीराकुड डैम का आपको बता देता हूँ कि हीराकुड डैम वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट डैम में से एक है, और जो गांधी मीनार है जिसमें इस रोपवे के माध्यम से जाते हैं, गांधी मीनार एक बहुत अच्छा आकर्षण का केंद्र इसलिए है क्योंकि इसका जो टॉप है वो रोटेट करता है। हम आपको इसमें दिखाएंगे, वो रोटेट करता है और आप एक जगह खड़े रहेंगे और आप चारों तरफ का नज़ारा 360 डिग्री जो नज़ारा है वो आसानी से देख सकते हैं। यहाँ से आपको गांधी मीनार दिखाई पड़ेगी। ये देखिए, ये गांधी मीनार है और ये काफ़ी ऊंचाई पर है, पहाड़ी में है। यहाँ से आप लोग जाएंगे और उसके बाद जो आसपास का नज़ारा है वो वाकई में देखने लायक होता है। बहुत अच्छा खूबसूरत दृश्य है। और अगर आप बारिश के सीज़न में आएंगे तो आप देखेंगे कि हीराकुड डैम इतना बड़ा जलाशय है, इतना ज़्यादा इसमें पानी रहता है कि अद्भुत देखने में लगता है। ये गांधी मीनार है। आप इसके टॉप को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो टॉप पोर्शन है वो रोटेट कर रहा है। अभी हम लोग चलेंगे, इस गांधी मीनार के अंदर चलेंगे। ये इस गांधी मीनार के अंदर का नज़ारा है। अंदर देखिए, ये रोटेट कर रहा है और आप एक जगह भी खड़े रह करके 360 डिग्री नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है, देखिए कितनी खूबसूरत दृश्य है, पहाड़ियाँ दिखती हैं। ये है हीराकुड डैम। इस समय गर्मियों के दिन हैं, पानी कम है इसमें, लेकिन जब पानी होता है, बारिश के सीज़न में पानी भर जाता है तो देखने लायक नज़ारा रहता है। बहुत पानी रहता है इसमें। हीराकुड डैम आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट डैम में से एक है। इंडिया का तो लॉन्गेस्ट ही है, वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट डैम में से एक माना जाता है। ये देखिए, ये है हीराकुड डैम और इसका जो इसकी दीवार है, ये इसमें कुल 98 गेट्स हैं और जिस समय इसमें पानी भरा होता है तो देखने लायक नज़ारा रहता है। इसके दूसरी साइड इतना पानी, आप देखिए इतना लंबा है कि दूसरी साइड नहीं दिख पा रहा है। और जब इसमें पानी रहता है और जब इसके गेट खोले जाते हैं तो भी नज़ारा देखने लायक रहता है। इसके दूसरी साइड, जैसे ये मीनार में हम लोग खड़े हैं, इसके दूसरी साइड भी एक मीनार है, वहाँ भी टूरिस्ट लोग आते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर दूसरी साइड भी एक मीनार है, उसको जवाहर मीनार मेरे ख्याल से बोलते हैं, और उसमें भी आप सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ करके आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। अगर कभी संबलपुर आएँ तो इस जगह आप विज़िट कर सकते हैं। पीछे फॉलो कर रहे हो वो साइड से म्यूजिक फाइंड देता हूँ, बंद ही हो रखा है।